लोगों को जीबीपी यूएसडी के ऊपर कौन सा ट्रेड लेना है, जितने भी लोगों के ऑलरेडी लास्ट वीक यहाँ पे ट्रेड लगे हैं जब मार्केट क्लोज हुई थी, चाहे बाइंग में हो या सेलिंग में हो, बट इस वीक आपको मंडे से जब हमारा यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, तो आज आपको कौन सा ट्रेड लेना है एंड मार्केट कौन सा मोमेंट यहाँ पे देगी, इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आपको यहाँ पे डेली मॉर्निंग में 8 बजे जीबीपी यूएसडी के ऊपर एनालिसिस मिला करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो। साथ में हम यहाँ पे सुबह 7 बजे गोल्ड का एनालिसिस भी देते हैं, तो अगर आप लोग गोल्ड में भी ट्रेड करते हो तो वहाँ पर जाके भी आप वो वाली वीडियो भी वॉच कर सकते हो। डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमारी गोल्ड की वीडियो आती है एंड देन 8 बजे हमारा जीबीपी यूएसडी के ऊपर आता है। एंड साथ में अगर आपको हमारे वीआईपी ग्रुप के सिग्नल चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आपको हमारे ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे जो मार्केट है वो कुछ ही टाइम में ओपन होने वाली है, बट मैं आपको पूरा बताऊँगा कि आज दिन में क्या रहने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले जो हमारी मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है वो है हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.2857, ठीक है, आप 57 पे मानकर चलो 857। बट यहाँ से जो पहला मोमेंट रहेगा मार्केट का, अगर मान लो थोड़ी ऊपर भी जाती है बट स्टिल यहाँ से आपको एक पुल बैक मिलेगा देखने को वापस 28.5085, देन आपको ऐसे यहाँ पे कुछ 39 तक आपको देगा मार्केट आते हुए वापस, एंड यहाँ से वापस फिर एक रिवर्सल जाएगा हमारा मार्केट में बाइंग के लिए, ठीक है। ये आप अपनी सेलिंग लिमिट एंड बाइंग लिमिट लगा सकते हो, जो आपके ऑलरेडी ट्रेड है आप उनको मैनेज करो कि आपका बाइंग कहाँ पे है सेलिंग कहाँ पे है, वो आप इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो। बट जो यहाँ पे आज दिन का रहेगा मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा, ये आपका पहले 1.2839 से आपका बाइंग लिमिट रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम मतलब आगे जाके भी अभी बाई में ही जाने वाली है, तो आज दिन का आपको बाइंग मिलेगा सेलिंग मिलेगा। तो पहला यहाँ पे मार्केट 1.2839 को हिट कर सकती है, देन आपको वापस एक और सेलिंग लिमिट नहीं लेनी है, आपको यहाँ से बाइंग ही जाना है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 2860, ठीक है, ये आपका रहेगा टारगेट। देन यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करती है तो एक और आपको बाइंग में देखने को मिलेगा यहाँ पे 2889 या 90, अब ये मानकर चलो कुछ इस तरह से जाएगा हमारा मार्केट। अब अगर मैं इसको 15 मिनट के ऊपर को दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये, तो ऐसा ही हमारा यहाँ पे कल ट्रेड रहेगा। अगर इसमें आप में से किसी ने भी यहाँ पे मान लो नीचे कहीं इस पॉइंट पे अगर आपने कहीं सेल किया या जो लोग नीचे ऑलरेडी सेलिंग में फंसे पड़े हैं, तो देखो आपको मैं बता दूँ क्योंकि हमारा मंडे जो यहाँ पे है मतलब आज के दिन में हमारी उतनी यहाँ पे न्यूज़ नहीं है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, हम एक बार चेक कर लेते हैं यूएसडी के ऊपर उतनी न्यूज़ नहीं है, तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे जीबीपी के ऊपर है 10:30 पे न्यूज़ है, बट नॉर्मल न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखेगी जीबीपी, इसमें आपको उतना मोमेंट नहीं आएगा। शाम को 10:30 पे ये न्यूज़ है तो आप तब तक के लिए होल्ड कर सकते हो सकता है आपका रिकवर हो जाए। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे नीचे आती है 2839 तो आपको एक पुल बैक मिल सकता है, या अगर इसके अलावा किसी और अगर मैं 1 आवर के ऊपर ले जाऊँ आपको आपने बहुत नीचे कहीं सेल किया हुआ है तो फिर आपको आई थिंक वेट करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्केट जो है लास्ट 2 वीक से अप जा रही है। एंड यहाँ पे ट्यूसडे को जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ, हम अगर कैलेंडर चेक करेंगे तो 12 तारीख को देखोगे आप तो बहुत सारी न्यूज़ है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में मूवमेंट जो है वो अच्छा खासा आए, क्योंकि यूएसडी के ऊपर भी न्यूज़ है एंड जीबीपी के ऊपर भी यहाँ पे मंडे को ट्यूसडे को यहाँ पे न्यूज़ है, तो उसमें आपका रिकवर हो सकता है अगर यूएसडी के ऊपर अच्छी न्यूज़ आती है तो। देन ये हमारा इनिशियल मूवमेंट रहने वाला है 1 आवर के बाद हम देंगे, तो यही आपको कुछ इस तरह से ट्रेड रहेगा आज दिन का। ओवरऑल आप 28 से आप लोग सेलिंग लिमिट लगाओगे ये आपके ट्रेड रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे लगा के देता हूँ बाय लिमिट एंड सेल लिमिट, देखो जहाँ पे मार्केट है आप मानकर चलो यहाँ से अगर आप बाय लेते हो तो ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे इतना आप ऐसा ले सकते हो। एंड उसके बाद जो आपका सेकंड ट्रेड रहेगा मान लो अगर मार्केट यहाँ पहुँचती है तो वापस से फिर आप यहाँ पे सेलिंग लिमिट लगा के आप यहाँ पे अपने हिसाब से 30, 40 या 50 पिप का मैक्सिमम मान लो यहाँ पे आप एसएल अपना रख सकते हो 50 पिप तक का, 50 पिप यहाँ से ऊपर रखना 90, मैं आपको 95 पे देता हूँ, देन ये आपके कुछ इस तरह से ट्रेड मान लो अगर जहाँ पे भी आपका पहला हिट होगा ऊपर के लिए देन वहाँ से आपका सेकंड जो है वो बाइंग का
पहला बाइंग का रहेगा आपका यहाँ से, मतलब बाइंग करोगे आप पहले स्टार्टिंग सेलिंग से करोगे, देन आप यहाँ नीचे से बाइंग करोगे, ये जब ऊपर जाएगी मार्केट पर उससे पहले आपको बाइंग करनी है यहाँ से, इस तरह से एक्चुअली इस तरह से हम आपके ट्रेड रहेंगे, ठीक है। इस जोन में ही आपको मैक्सिमम कल ट्रेडिंग करनी है, मतलब आज मैं रात को वीडियो क्रिएट बना रहा हूँ ये, तो ये इस तरह से आप लोग कुछ यहाँ पे अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। स्टार्टिंग अगर मान लो मार्केट ओपन होती है सुबह एंड देन ऊपर चले जाती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आप सेलिंग करो, जो ऑर्डर है ये वाला ऑर्डर अगर मान लो यहाँ पे आपके इस जगह जो आपके ऑर्डर हैं सीधे मार्केट ओपन होती है, मार्केट सीधे बाइक में जाती है जहाँ पे है, फिर से बोलो अगर सीधे बाइक में चले गई, देन आप यहाँ से सेल करोगे वापस यहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ वापस आप इसी ट्रेड को यहाँ से करोगे कंटिन्यू बाइंग में ऊपर, एंड देन वापस यहाँ से फिर आप सेल करोगे। ये तो इतना ही कल दिन को मूवमेंट हो सकता है शाम तक के लिए, फिर नेक्स्ट डे क्या रहेगा वो हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे जब मार्केट ट्यूसडे की, क्योंकि ट्यूसडे बहुत सारी न्यूज़ है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, एंड अगर किसी को भी अकाउंट हैंडलिंग या अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिमिटेड सीटें अवेलेबल है। वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी है कैसे हम लोग करते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, एंड आप मेरे से बात भी कर सकते हो। थैंक यू।